मुख्तलिफ़ बहुत सारे उलमाए किराम यहाँ पर मौजूद हैं और सभी अपने अपने इलाके में एक नुमाइंदे की हैसियत से जाने जाते हैं और उनका एक अपना हलका असर है। और ज़रूरी था कि हम उन तमाम हजरात को यहाँ पर बुलाते और उनसे भी कुछ कलेमात सुनते, लेकिन वक्त की किल्लत और की बिना पर हमें इसको मुख्तसर करना पड़ा। हमारे फहरिस्त में बहुत सारे और भी नाम थे, हज़रत मौलाना अख्तर साहब टिंडाकोड़ा, हज़रत मुफ्ती तहमीद साहब और इसी तरह के और भी बहुत सारे, वहाँ से संबलपुर से हज़रत मौलाना अब्दुल फजल अजीज़ साहब और भी इसी तरह से बहुत सारे उलमाए किराम बलांगीर से आए हैं, सोनपुर बलांगीर बहुत से आए हैं उलमाए किराम, और भद्रक से भी आने वाले थे, शायद पहुँचे होंगे भद्रक से इमाम साहब और कलाम साहब, और भी इसी तरह के उलमाए किराम की एक लंबी बारी पदा से भी तशरीफ़ लाए हैं। और तो इसलिए अगर कोई हजरात का नाम छूट गया है जो इसमें हिस्सा नहीं ले सके कार्रवाई में, हम उनके उनके खिदमत में माजरत पेश करते हैं, वो इसे कबूल फरमाएंगे। वक्त बहुत कम है, 2 बजे एक जनाजा है, इंशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम उससे पहले पहले ख़त्म भी होगा, दुआ भी हो जाएगी इंशाल्लाह। अब इस प्रोग्राम के जो सबसे अहम कड़ी है वो था सूबाई इंतखाब का ताल्लुक से है। अब मैं इस सूबाई इंतखाब के हवाले से मैं हज़रत सदर मजलिस और अमीर शरीयत ओडिशा हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब कासमी दामद बरकातहुम से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ, इस हवाले से अपने तमहीदी कलेमात पेश फरमाएँ। साथ ही साथ एक करारदाद जमीयत उलमा के दफ्तर के तामीर के हवाले से है, उस करारदाद को भी हज़रत अमीर शरीयत दामद बरकातहुम पेश फरमाएंगे। आप हजरात उसकी ज़रूर तायद फरमाएँ। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही नबील उम्मील करीम वाला आलिही व असहाबी अजमईन। अम्मा अदान को कहा जाता है, इसके वसीले से भी दुआ कबूल होती है। मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना व मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम बतौर मुशाहिद तशरीफ़ लाए हुए हैं, यानी हमारे इस मुंतजमा इजलास का जो कार्रवाई होगा उसको वो सब देखेंगे, मुआयना करेंगे और फिर मरकज़ में जाकर के सब रिपोर्ट पेश करेंगे। वो मरकज़ की तरफ से नुमाइंदा के तौर पर आए हैं, वो हम आज़ाद नहीं हैं, जैसे चाहे करें पाबंद हैं। और हमारा ये सूबा हजरत मौलाना ज़ईमुल इस्लाम साहब कल कह रहे थे कि मरकज़ में भी इसका तस्किरा है कि 2-4 सूबों में जहाँ अभी जमीयत का कार्रवाई हुआ है दस्तूरी तौर पर, तो उसमें एक आपका सूबा ओडिशा भी है जिसकी कार्रवाई दस्तूरी तौर पर अंजाम पाती और जमीयत कोई एक फ़र्द वाहिद जनरल सेक्रेटरी या सदर का नाम नहीं है। जो बेचारे कहते हैं वो नादानी में कह देते हैं कि पूरे मजमे का नाम जमीयत है। अपने अपने इलाके में जो जितनी हरकत करेगा उतना जमीयत का तारुफ होगा। अब जो हलके के देखो कितना तंजीमी सिलसिला है, ये जोन, फिर उसके जिम्मेदार, उसके सदर, उसके खादिन, उसके फला,
एक ज़िला है तो ज़िले में इतने जोन बनाओ, बड़ा ज़िला है तो फलां करो, सिलसिला है बाकायदा तकसीम-ए-कार। तकसीम-ए-कार से काम आसानी के साथ पाए तकमील तक पहुँचता है और इलाके के काम को मरकज़ तक पहुँचाना इलाके के ज़िम्मेदारों का काम है। ये इलाके में क्या ज़रूरत है, क्या हादसा पेश आया, क्या फितना रूनमा हुआ। जैसे हमारे यहाँ जब सूबा उड़ीसा में कहीं कुछ होता है, हमारी जमीयत वहाँ पहुँचती है, इसके ज़िम्मेदार पहुँचते हैं तो मरकज़ से भी मशवरा करते हैं, तो मरकज़ वाले यही कहते हैं कि तुम क्या करते हो पहले करो तो, आगे क्या ज़रूरत है हम उसको देखेंगे पूरी करेंगे। मसलन कहीं अगर कोई हादसा हो गया है, सैलाब या तूफान की वजह से लोग परेशान या कुछ और आग लग गई, कुछ हो गया या रिलीफ तकसीम करना है, बांटना है, तो हमको भी जैसे अभी हमारे खाजिन साहब जब हाजी साहब ने फरमाया, हजरत मौलाना जलाल साहब नवला मरकदहू, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मनवर फरमाए, जैसे अभी इनके सिलसिले में कहा गया, इतने फिक्रमंद थे कि मत पूछो, कहते थे मौली फारूक जानते हो मैं कोई बस्ती छोड़ूंगा नहीं, हजरत की तरफ से ये आया है कि तुम क्या देते हो दो, कोई मस्जिद छोड़े नहीं, हर जगह पहुंच गए, ऐलान किया और जमा करके पैसे मरकज़ को भेजा दूसरी जगह ज़रूरत को पूरी करने के लिए। हमारे यहाँ कोई अचानक ज़रूरत पेश आ जाए, हमारे पास खजाना रहेगा तभी पहलम पहल हम अपने ले कर दौड़ेंगे, बग़ैर माल के क्या मसला हल होगा। कहीं कुछ देना लेना है वक्ती तौर पर, कोई हादसा कुछ हो गया उसकी भी ज़रूरत है, तो इसलिए हमारे हाजी साहब ने फरमाया कि इसको माली ताउन से भी मजबूत करो, इसकी भी ज़रूरत है। तो सब मिलकर जमीयत है, कोई एक फ़र्द का नाम जमीयत नहीं। हम शिकायत किससे करेंगे, अपनी शिकायत अपने आप को झांके कि मैं कितना काम करता हूँ, अपने इलाके में जमीयत का कितना तारुफ कराया, कहीं दो आदमी लड़ गए मसालिहत के गया कि नहीं गया मसालिहत के लिए, कहीं कोई और मामला हुआ अपने साथियों को लेकर वहाँ कुछ कोशिश किया या नहीं किया, या फिर इसकी खबर हमारे सूबाई जमीयत को देकर उनसे कुछ मदद चाहा कि आप किसी को भेजो या यहाँ आओ, कितना किए। जितना करेंगे उसी की रोशनी पर काम नज़र आएगा हमको। तो कुछ लोग नादानी एतबार से बेचारे कह देते हैं, जो चाहते कह देते हैं। अभी आपके सामने सेक्रेटरी रिपोर्ट पेश हुआ, कितने कारनामे हैं, बड़े बड़े कारनामे हैं, और ये सब रेलवे के हादसे में हाजी साहब मैं इनके साथ साथ चल रहा था, तो हाजी साहब बहुत खुश हो रहे थे कि मेरा माली ताउन इसमें लगेगा, मैं भी मेहमान खुसूसी जो आए थे बोले मैं भी कुछ पीछे नहीं हूँ, मैं अपने ताउन का इजहार कर दिया कि मैं भी इतना रकम दूँगा, वो भी दिए दूसरे लोग भी दिए और दौड़ भाग भी सब किए, कटक किए और आसपास के लोग भी माशाल्लाह उसमें हिस्सा लिए। तो मेरे मोहतरम भाइयों और काबिले कदर उलमाए किराम, इसका नाम जमीयतुल उलमा है, और एक एक आलिम पूरे इलाके के लिए रहबर होता है और पूरे इलाके के लिए तमाम वहाँ के लोगों का कि निचोड़ होता है। वो आलिम मौतुल आलिम मौतुल आलम कहा गया है, यानी एक आलिम का किसी जगह ना होना, वहाँ सारे लोग गुनाह में मुबतला और है और दुनिया से चला गया, वो जगह खाली हो गई, तो आलिम आलिम बन के रहे, अपनी शान से नीचे ना उतरे, खुद भी अमल पैरा हो और दूसरों को भी अमल की तरफ कोशिश करे लाने का कि भाई इस बात पर अमल करो, इस्लाह मुआशरा हो, कुछ भी हो। ये तमाम बहुत इस्लाह मुआशरा के तो बहुत गश्त किए गए जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से, और पिछले साल मजलिस शूरा जो मुनक़िद हुई इमारत शरिया की दिल्ली में, हजरत मौलाना हमारे सदर मोहतरम और अमीरुल हिंद दावत बरकातहुम और जो मशवरे में बात हुई कि इसको जो है इमारत शरिया के सुपुर्द किया जाए, एक ख़ास शोबा है, ये छुप के रह जाता है इस्लाह मुआशरा का, ये प्लेटफार्म बहुत बड़ा है,
और ये अहले इल्म का ख़ास काम है, बहुत सारी बातें इसके अंदर छुपी हुई हैं, तो सबको करने का है। अभी मैं हमारे सदर मोहतरम से कहा, मैं कहा आप तशरीफ़ लाएंगे यहाँ, बहुत सारे लोग हमारे उलमा कहते हैं आसपास के जो सदर मोहतरम को हम देखे नहीं हैं या पिछले इजलास में आए नहीं थे, हम जानते नहीं हैं, आप आइएगा तो हम आपका तारुफ कराएंगे, सब जगह ले जाएंगे, वहाँ वहाँ पहुँचाएँगे, हमारे उलमा आपका कदर करेंगे, आपका कारनामा उनके सामने आएगा, हर जगह दो दिन चार दिन क़याम होगा, दौड़ भाग होगा। हज़रत मेहमान खुसूस ने फरमाया कि हज़रत फ़िदाए मिल्लत नवल्लाहु मरकज़हु फरमाते थे कि जमीयत एक जगह बैठने का नाम नहीं है, नक़ल व हरकत का नाम है, दौड़ भाग का नाम है। आप लोगों में से बहुत सारे देखेंगे हज़रत फ़िदाए मिल्लत आते तो सुबह से रात तक बीसियों जगह का प्रोग्राम, दो दिन तो मुश्किल से मिलता था, तीन दिन। और हज़रत मौलाना सैयद सिराजुस्साजिदीन साहब नवल्लाहु मरकज़हु फरमाते थे कि हज़रत के प्रोग्राम में जितनी तकलीफ़ मुझे बर्दाश्त करनी पड़ती है किसी को नहीं, इधर हज़रत बड़ा प्रोग्राम और हजरत हज़रत मौलाना इस्माइल साहब नवल्लाहु मरकज़हु परवाह नहीं करते थे कि तुम जो चाहो लिख दो, कहते लाओ प्रोग्राम लिखा हुआ, और ये कुछ कह देते थे वो कुछ कह देते थे, हज़रत बरस जाते थे कि मुझे बहुत पिसना पड़ता है इस मामले में। एक दफ़ा ऐसे हमारे यहाँ मुगलबाग में कह दिए थे थोड़ी देर बयान करा देंगे, और स्टेज स्टेज बना के सब इंतज़ार में है, हज़रत केंद्रापाड़ा हमारे यहाँ से आए फ़कीराबाद से, तो कहा यहाँ क्या प्रोग्राम है, तो हज़रत मौलाना ने कहा हज़रत सिर्फ दुआ करा देंगे वहाँ, बस हज़रत का मिजाज वही था, दुआ चलो भाई बैठे अल्लाहुम्म सल्ली अला, दुआ शुरू कर दिए। लोगों का हज़रत यहाँ तो बात हुई थी थोड़ी देर कुछ कहेंगे, हमारे बड़े अकाबिर गुजर गए दुनिया से, एक एक बात उनकी यादगार है मेरे भाइयों। जब हम बड़ों की कदर करेंगे तो बाद में आने वाले हमारी कदर करेंगे। हमारे जमीयत का एक रिवाज भी सिलसिला रहा है, आप देख लो, हज़रत मौलाना सैयद साजु साहब ज़माने में हम आते थे, हज़रत जो दिए सब दस्तखत मार दिए चले गए, कोई कुछ बोलता था क्या, कोई कुछ बोलने का मजाल नहीं रखता था। उसके बाद भी ये सिलसिला कायम रहा अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत मौलाना जलाल साहब नवल्लाहु मरकज़हु के ज़माने में भी हम लोग पुरज़ोर तायद किए और उनकी सदारत रही और बहुत ज़माने तक रही, जब तक ज़िंदा रहे वो रहे, फिर उनके बाद सदर का इंतखाब हुआ। अब बताओ, बाद लोगों के जहन में बात आती है कि हमसे कहलवा लिया जाता है, ज़बरदस्ती तायद ले ले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी कितने सारी रिपोर्टें पेश की गई सेक्रेटरी रिपोर्ट में, सब आप लोग तायद किए कि नहीं किए भाई, किए कि नहीं किए, यही तो उसका दस्तूर है, कोई दस्तूर का उल्टा नहीं है कि बगैर दस्तूर गैर दस्तूरी कार्रवाई अंजाम दे दिए, दस्तूर यही है, तजावीज़ पेश किए जाएंगे, आपसे तायद ली जाएगी, आप माशाल्लाह मुंतजमा के सब अराकीन हैं, आपके तायद से ही कोई मामला तय पाएगा, मुंतजमा ही असल है इसका। सदर मुंतखब होंगे तो फिर अपने मातहम तहतों को वो चुनेंगे बैठ के, ये जनरल सेक्रेटरी होंगे, ये फला होंगे, ये फला होंगे, फला होंगे, सब मामला तय होगा, फिर अगला सफ़र हम तय करेंगे। आज का जो इजलास है पिछले कारनामों को कारगुजारी को सुनाने और फिर जो नया टर्म, दो साल, दो साल क्या मुद्दत है, आया गया अब तो हदीस शरीफ में है आखिरी ज़माना ऐसा होगा कि साल महीना लगेगा, महीना हफ्ता लगेगा, और हम लोग को मदरसे वालों को तो ऐसा लगता है कल तनख्वाह दिए थे फिर आज हो गया, लगता है कि नहीं बताओ, अरे साल गुजरने में देर लगता है, अरे दो महीने में आते हैं, एक महीने में आते हैं, साल गुजर गया, दो साल में तो दो साल का टर्म बहुत कम है, कम से कम पाँच साल का टर्म होना चाहिए, नहीं तीन साल हो गया है। हजरत मानो गुफरान साहब बड़ा मालूमात रखते हैं, मैं भी जानता हूँ तीन साल हो गया है, तीन साल भी कम है, पाँच साल कम से कम, हमारे यहाँ सूबों में जो MLA वगैरह भी बनते हैं तो पाँच साल कम से कम कुछ कारनामा समझ में आ, क्या काम अंजाम दिए, बहुत सारे मनसूबेजात भी हैं उसको भी सर अंजाम देना है, बहुत सारे मनसूबेजात हैं। तो हमारे यहाँ दस्तूर रहा है किसी बड़े को बैठाने के बाद फिर उसको नीचे को उतारने में कैसा लगेगा आपको बताइए, तो अच्छा लगेगा, अरे भाई बोलो, अभी कहोगे कि ज़बरदस्ती कहलवा लिए, अच्छा लगेगा क्या, किसी को इस पोस्ट में बिठाए और एक ओहदा दिए, अपनी रहबरी उनके ज़िम्मे सौंपे कि आपके पीछे पीछे हम लोग हैं, और फिर दो साल के बाद कहोगे आप दूसरा रास्ता देखिए हम अपना दूसरे रास्ते में चल रहे हैं, बात अच्छी नहीं लगेगी।
हमारे आप जितने हमारे यहाँ गुजरे हज़रत मौलाना इस्माइल साहब जब तक रहे, हजरत तो ऐसे शान के थे कि जहाँ जाते थे इमाम साहब का भी परवाह नहीं। हमारे मुगलों के इमाम साहब का है अमीर शरीयत रहते रहते इमाम क्या अल्लाहु अकबर नमाज पढ़ा दिए, तो उनकी शान थी वो। सबने मैं अगर नकल करूँगा लोग मारेंगे मुझे, कहाँ से चलाया, बड़े थे सब उनको मानते थे, उनकी शान थी। तो हज़रत मौलाना सैयद सिराजुद्दीन साहब अपने ज़माने में जो चाहते थे लिख के उनका दस्तखत भी खुद कर देते थे, और वो कहते थे जो साजिद कहा वो मैं कहा, साहब कहते थे। इतना ज़बरदस्त ताईद अपने शागिर्द की करते थे, हैरत की बात है। मैं फतवा इस्तिफ्ता वगैरह लेकर आता था, मौलाना एकदम आसानी के साथ लिख के अपना दस्तखत, मौलाना इस्माइल साहब दस्तखत मोहर लगा के दे देते थे, वो लेक्चर जाते थे। तो एक मामला ऐसे आया, मौलाना इस्माइल साहब के पास गया कि आपकी दस्तखत आपका है, देखो साजिद लिखा है। हाँ मैं क्यों दस्तखत, इसी बोले हाँ मैं क्यों दस्तखत। इतना ज़बरदस्त ताईद अपने शागिर्द की, तो तभी इतना बड़ा बड़ा काम अंजाम देकर गए। ये मरकज़ुल उलूम हमारे सूबे ओडिशा का एक मरकजी इदारा है, इसके बहुत सारे खिदमात हैं, यहीं से हम सब जुड़े हुए हैं। हमारे अकाबरीन का सिलसिला दोनों यहीं पर, मैं तो जब आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इसला सवाब करके जाता हूँ। ज़िंदगी में भी हज़रत मौलाना कहते थे फारूक ये हमारे शागिर सब कुछ नहीं आते हैं, कभी सलाम अलैक भी नहीं, ना कभी सेब लाते हैं कभी आम लाते हैं। एक टी तय है जो आम लेकर आता है, मैं मौसमी फल सब लेकर आता था हजरत के बराबर। नहीं सस्ता आप कहाँ के हैं, आप कटक के हैं क्या? आम भी सेब भी कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह जब आता था। हमारे यहाँ जलसा सालाना होता था तो मैं जाता था, कहते थे ते साजिद को ले जा। एक दफ़ा लिया, उनके मिजाज तो ऐसे ही था, जलसा भंडोर हो जाता था। ए पगड़ी कहाँ लाए, फलां कहाँ ला, अभी सब बाकी है वो लग करके चले जाते थे। तो मैं कहते थे मैं दुआ कर दूँ ते साजिद को ले जा। मौलाना मुझे भेजते थे जा तुम कह दे चले आओगे हजरत जलसा है दुआ कर दीजिए। मैं जब कह देता था हजरत दुआ कर देते थे, हजरत मौलाना को लेके चला जाता था। हमारे काबिले ने इनकी यादें हैं मेरे भाइयों। तो हम एक दूसरे वो जब वो बने बनाए सब ताईद किए बनते बनते, अब ये कोई कहेगा तो तजवीज़ पेश किए नहीं और क्या किए ना, अपने तरफ से मशवरा करके कर दिया, ऐसा नहीं, कोई अलग से कोई मशवरा नहीं। हम तो एकताई को बरकरार रखने के लिए और उड़ीसा के उलमा का एक इत्तेहाद को ऊपर वालों के सामने पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि देखो कितने मुत्तहिद हैं, एक आवाज़ पर सब लब्बैक कह रहे हैं। अब कोई आवाज़ ऐसे मिजाज के ख़िलाफ़ आवाज़ भी नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी जो शान होती है उसके मुताबिक हम सोचते हैं आपके सामने पेश करते हैं, और आप लोग भी जानते हैं और ताईद भी करते हैं।